है, नया चांद भी दिख चुका है। आई होप कैमरा फोकस कर पाए। ये देखिए, ये रहा जी नया चांद, और नए चांद को देख के दुआ भी मांग ली है। माशाल्लाह बहुत प्यारा है। बोलो अल्लाह ताला, अल्लाह ताला मुझे अच्छा अच्छा बच्चा बना दो। आमीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सो आज का व्लॉग थोड़ा स्पेशल है और नाश्ते से ही स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले जल्दी जल्दी नाश्ता करते हैं, उसके बाद ऐसे भी जुम्मा है, जुम्मे की तैयारी करनी है। नाश्ता कर लिया जी, अब हेयर ऑयलिंग की बारी आती है, तो यहाँ पे मैं सैक का अनियन ऑयल यूज़ कर रही हूँ। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्योंकि ये ऑर्गेनिक है तो इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा है, तो आप इसे हफ्ते में एक मरतबा यूज़ कर सकते हैं। इसको हम ओवरनाइट लगा के नहीं छोड़ेंगे, इसको हम अपने कोकोनट ऑयल में मिला के यूज़ करेंगे 3-4 घंटे पहले शावर से। कपड़े भी निकाल लिए, जुम्मा है, वैसे भी जुम्मे वाले दिन तैयारियां जो है वो एक्स्ट्रा हो जाती है। हेयर ऑयलिंग भी कर ली है, अब बस जो है जुम्मे की तैयारी करेंगे, नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे, देन उसके बाद जो बाकी के बचे हुए काम हैं उसको निपटाएंगे। अच्छा जी, सो फाइनली सस्पेंस ख़त्म, और आप लोगों को ये देख कर अब पता चल गया होगा कि ये व्लॉग में किस चीज़ की प्रिपरेशन हो रही है और आगे वाले व्लॉग स्पेशल क्यों होने वाले। सो फाइनली ये है मेरी डेट फिक्स का कार्ड, और ये मैंने खुद डिज़ाइन किया है, और अब बस इसको जल्दी जल्दी से हम रैप करेंगे, देन उसके बाद बाकी सारे काम भी निपटाने हैं हमें। और अगर आप में से भी किसी को डिजिटल इनविटेशंस या लोगोस वगैरह बनवाने हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स और डिमांड्स के मुताबिक, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगी, सो आप वहाँ से क्लिक करके चेकआउट कर लीजिएगा। और ये रहा जी इसका फाइनल लुक, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। फिर पेपर बैग बनाया है, और इसके अंदर है कार्ड, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रहा जी कार्ड, ये काम हो गया। अब थोड़ी सी सेल्फ ग्रूमिंग करेंगे, उपटन वगैरह लगाएंगे, तो मिलती हूँ मैं थोड़ी देर बाद। अच्छा जी, उपटन और मेहंदी कोन जो है वो मैंने सईद गनी के मंगाए हैं, और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है मेहंदी के कोन्स की भी। मैं आपको भी मेहंदी कोन्स दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके की पैकेजिंग में आते हैं, और बहुत ही क्यूट पैकेजिंग है, और साथ में मंगाया है मैंने ये एक उपटन। तो जल्दी जल्दी हम उपटन को अभी प्रिपेयर करेंगे, मेहंदी तो मैं लगाऊँगी हफ्ते वाले दिन, सो बस अब इसको जल्दी जल्दी प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे। अच्छा जी, उपटन से पहले थोड़ा चाय वाला सेशन हो जाए, तो अब चाय पीते हैं, देन उसके बाद अब उपटन लगाएंगे। अच्छा जी, चाय पी ली, अब जल्दी जल्दी उपटन बनाते हैं, फिर इसको सुखाना भी और हटाना भी है। इनके उपटन की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, और इनके बहुत सारे वैरायटी के उपटन इनकी वेबसाइट पर मौजूद है, तो आप लोग ज़रूर एक बार चेक करिएगा। जो लड़कियाँ ब्राइड टू बी है वो स्पेशली इनका उपटन ज़रूर यूज़ करें, बहुत अच्छा है, मेरी तरफ से 100% रेकमेंडेड है। 3 तरीके से हम इसको बना सकते हैं, या तो नॉर्मल पानी के साथ, दूसरा ऑप्शन है इसको दूध के साथ, और थर्ड इसको हम रोज़ वाटर के साथ बना सकते हैं। और उपटन के बाद स्किन बहुत ही ज़्यादा फ्रेश और ग्लोई हो गई थी। और लोकल मार्केट्स में जो उपटन बिकते हैं उनसे आप लोग बचिए, क्योंकि वो आपकी स्किन पे एक येलो स्टेन छोड़ जाते हैं, और उपटन का बेसिकली मकसद आपको ग्लो देना है, ना कि आपकी स्किन पे येलो स्टेन छोड़ना। टाइम हो रहा है जी अभी 3:30, और अभी मैंने बनाई है मैगी, क्योंकि भूख लग रही थी। कौन कौन मेरी तरह मैगी का शौकीन है, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो। काइंडली अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। भाई तो अभी हम आए हैं चहलकदमी करने, छत की सफाई अभी भी बाबा करके गए हैं, क्योंकि कल ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा सफाई वगैरह का, तो आज ही बाबा ने पूरी छत की धुलाई वगैरह कर दी है। और ये कितने कलरफुल लग रहे हैं, व्यू बहुत अच्छा है। चलें अब जिस काम के लिए आए थे छत पे वो वाला काम करते हैं। मैं यहाँ पे वीडियो का वॉइस ओवर करने आई थी, तो वॉइस ओवर कम्प्लीट करते हैं। नीचे मैं आपको अपने भतीजे दिखाती हूँ, जो के लपक रहे हैं कि ये खाला और फूफा कहाँ चली गई है। इस तरह नीचे लपक रहे, बहुत अच्छा किया बेटा मैंने आपके साथ। टाटा अब्दुल समद, टाटा टाटा। चले जी, 8:30 बज रहे हैं, रात के खाने का वक्त हो चुका है। मेरी भाभी जान ने एक मज़ेदार सी यमी सी कढ़ाई बनाई थी, सो बस अब खाना इंजॉय करते हैं। ये है हमारी आन्ना बाजी के हाथ की कारीगरी,
उंगलियों में मेरी कारीगरी है, उपज है। आमना ने अपनी कशीदकारी दिखाई है। सो ये है दुल्हन की छोटी बहन के हाथ की मेहंदी, ठीक है। बाकी हमारी एक भाभी जान के हाथ पे लग चुकी है उनकी मेहंदी, मैं आपको दिखाती हूँ। बैकग्राउंड में नमाज़ पढ़ रही हूँ। ये भाई जोजा अरसलान के हाथ है मेहंदी, मैंने लगाई है, ठीक है। अभी कल जो है मेरे मेहंदी लगाएंगे। और यहाँ ये भाई मेरी बड़ी भाभी के हाथ है, हाथ उनका है, मेहंदी मैंने लगाई है, ठीक है जी। ये भी देख ले, फोकस चले गया। हाँ भाई देख लो, ये पहले आ गई अपनी मेहंदी दिखाने। ये मेहंदी जो है ऊपर से आमना ने लगाई है, नीचे से मैंने लगाई है। यहाँ पे आमना भाजी अपने हाथ पे मेहंदी लगा रही है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली जी, आज है जी हफ़्ता और ये है नया व्लॉग। ये भी मैं अपने प्रिपरेशन व्लॉग के साथ ही अटैच कर रही हूँ ताकि दोनों व्लॉग्स एक साथ ही डालूँगी, क्योंकि प्रिपरेशन सारी मैंने एक व्लॉग में डाली है और जो स्पेशल व्लॉग है वो अलग आएगा। सो इन्जॉय करें। यहाँ पे मम्मा बना रही है मज़ेदार से पराठे। चले जी नाश्ता रेडी है, आज थोड़ा सिंपल सा नाश्ता कर रहे हैं, ठीक है जी। सो आज जो है मुझे अपने मेहंदियाँ भी लगानी है, सो बस अभी मैं नाश्ता करने के बाद मेहंदी लगाने बैठ जाऊँगी क्योंकि उसमें भी टाइम लगता है। जी नाश्ता कर लिया, मैं अपने मेहंदी लगाती हूँ। मेहंदी के कोन में यूज़ कर रही हूँ सईद गनी के, बेस्ट है, कोई जलन नहीं होती और रंग भी बहुत अच्छा आ जाता है और बहुत ही ज़्यादा जल्दी आ जाता है। सो मेरी तरफ़ से ये कोन रेकमेंडेड है, तो मैं अपने मेहंदी इसी कोन से ही लगा रही हूँ। ये दुआ मोहम्मद सलीम का नाश्ता है, दुआ सलीम ऑफिशियल का नाश्ता है। ऑफिशियल के पाँव हैं और उन पर वो खुद ही मेहंदी लगा दे। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपने ही पैरों पर खुद मेहंदी लगाना। तीन कप चाय, बैकग्राउंड में आप कौन कह रही? तीन कप चाय इनकी नहीं है, दरअसल एक जो है वो इनकी बड़ी बहन की और एक इनकी छोटी बहन की, और दरमियान वाली चम्मच वाली ये इनकी खुद की है। और ये सैंडविच है तो इनका, लेकिन नियत हमारी लगी हुई है, तो इससे पहले कि ये अपनी मेहंदी कंप्लीट करें हम ये पराठा ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। चलो जी ये तो बन चुके हैं, अब जल्दी जल्दी फिंगर्स कंप्लीट करते हैं। अभी तो मेहंदी मुकम्मल हो गई है और अब मेरी कमर दुख गई है। ये रही जी पैरों की मेहंदी, ये रही जी हाथों की मेहंदी। अब इसको सुखाएंगे, हम सूखने का वेट करेंगे इसके, देन इसके बाद मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी। ये मेरी मेहंदी लग चुकी है, डेट भी डाली है उसमें। मैंने मेहंदी धो ली अपनी और रंग बहुत अच्छा आया है। ये रही जी हाथों की मेहंदी, एक हाथ की हानिया, दूसरे हाथ की दिखाना। ये जी दूसरे हाथ। चले जी अब बेवक्त भूख लगी है तो अब हम खाएंगे मैगी, और ये मैगी बनाई है आमना सलीम ने। चले जी इसके साथ ये प्रिपरेशन व्लॉग जो है वो एंड होता है। उम्मीद है व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे किसी नए और मज़ेदार से व्लॉग के साथ, जब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।